हेलो फ्रेंड, दिल्ली न्यूज चैनल आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज बात करेंगे निफ्टी 50 क्या है। दोस्तों निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड 50 प्रमुख कंपनी के शेयर का इंडेक्स है। जबकि स्टॉक एक्सचेंज का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ एक ट्रेडर या इन्वेस्टर आपस में सिक्योरिटीज़, शेयर, डेरिवेटिव करेंसी का ट्रेड करते हैं। दोस्तों निफ्टी 50 के अलावा भी इसे सेंसेक्स का सबसे बड़ा और पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। दोस्तों निफ्टी दो शब्दों का योग है, नेशनल और 50। निफ्टी 50 एनएसई एक्सचेंज पर सूचीबद्ध प्रमुख 50 शेयर पर आधारित है। दोस्तों निफ्टी 50 पर लगभग 1600 कंपनियां लिस्टेड है। दोस्तों अब बात करेंगे निफ्टी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, जैसे कि निफ्टी का आधार वर्ष 1995 है। 1994 से इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग की शुरुआत हुई। साल 2000 में इंटरनेट के माध्यम से डेरिवेटिव ट्रेडिंग शुरू करने वाला भारत में पहला स्टॉक एक्सचेंज था। दोस्तों निफ्टी 50 के बारे में बात करने से पहले आइए स्टॉक मार्केट के इंडेक्स को समझते हैं। दोस्तों यदि कोई पूछता है कि शेयर बाजार कैसे काम करता है, आप एक्सचेंज में सूचीबद्ध सभी सैकड़ों कंपनी के बारे में सोचकर जवाब नहीं दे सकते। दोस्तों स्वाभाविक रूप से आप प्रत्येक सेक्टर से कुछ प्रमुख कंपनियों का चुनाव करेंगे। ये प्रमुख कंपनियां बाजार के बारे में पूर्ण और सटीक अनुमान देने के लिए जानी जाती है। दोस्तों ये कंपनियां अपने संबंधित सेक्टर के प्रतिनिधियों के रूप में जानी जाती है। यही काम स्टॉक मार्केट इंडेक्स का है। दोस्तों निफ्टी 50 का एक इंडेक्स है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध स्टॉक के प्रदर्शन को मापने के लिए उपयोग होता है। दोस्तों जैसा कि नाम से पता चलता है, इसमें कुल 13 सेक्टर में से चुनी गई 50 कंपनियों के शेयर शामिल है। क्योंकि इंडेक्स में स्टॉक की वैल्यू बदलते रहते हैं, तो इंडेक्स वैल्यू भी समान रूप से बदलता है। स्टॉक एक्सचेंज के लिए कई अलग अलग इंडेक्स हो सकते हैं। दोस्तों इसमें अंतर मार्केट कैप, स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स, लार्ज कैप इंडेक्स के आधार पर हो सकता है। दोस्तों अब बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में कुछ आवश्यक फैक्ट्स, जैसे कि निफ्टी 50 को इंडिया इंडेक्स सर्विस एंड प्रोडक्ट लिमिटेड IISL द्वारा मैनेज किया जाता है। इस कमेटी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इंडेक्स पॉलिसी कमेटी और इंडेक्स मेंटेनेंस सब कमेटी शामिल है। दोस्तों इसके आधार वर्ष 3 नवंबर 1995 है, क्योंकि NSE कैपिटल मार्केट सेगमेंट में शुरुआत 1994 में हुई थी, तो एक साल पूरा होने के बाद 1995 को एक साल के समागम को दर्शाता है। दोस्तों इसका बेस वैल्यू ₹1000 पर निर्धारित किया गया है और 2.06 ट्रिलियन रुपए की मूल्य पूंजी है। हर वर्ष के मध्य में इंडेक्स वैल्यू को दोबारा संतुलित किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए पूर्व निर्धारित तारीख 31 जनवरी 31 जुलाई है। दोस्तों 30 मार्च 2017 तक इन निफ्टी पर लिस्टेड शेयरों के फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के 62.9 का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों अब बात करेंगे निफ्टी 50 ऑप्शन। दोस्तों निफ्टी ऑप्शन एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है जिसमें अंडरलाइंग एसेट निफ्टी है। निफ्टी 50 फ्यूचर की तरह इसमें भी लॉट साइज 75 होती है, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस और कई एक्सपायरी पीरियड होती है। दोस्तों यह फ्यूचर की तरह एक डेरिवेटिव है, लेकिन फ्यूचर के विपरीत NSE निफ्टी में अप मूव डाउन आधार पर आपका लाभ हानि लीनियर होता नहीं होता। दोस्तों निफ्टी ऑप्शन चैन, दोस्तों आप देखेंगे निफ्टी ऑप्शन चैन। निफ्टी ऑप्शन चैन उन सभी शेयरों को सूचीबद्ध करती है जिसमें ऑप्शन ट्रेडिंग की सुविधा और सभी प्रकार के विवरण उपलब्ध है। इन विवरणों में शामिल है पुट, कॉल, स्ट्राइक प्राइस, बोली की मात्रा, बिट क्वांटिटी, अंडरलाइन एसेट की कीमत, अंडरलाइन एसेट प्राइस। दोस्तों उदाहरण के लिए निम्नलिखित एक टेबल दिया है कि कैसे NSE निफ्टी ऑप्शन चेन दिखता है। दोस्तों यदि आप ऊपर दिए गए ऑप्शन चेन को करीब से देखते हैं, तो आपको किसी भी सेलर या बायर के साथ किसी भी पुट कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के साथ आगे बढ़ने से पहले आपको आवश्यक सभी सही डेटा मिलेंगे। दोस्तों नीचे दिए गए चर्चा के अनुसार प्रत्येक कॉलम की अपनी आवश्यकता है, जैसे कि LTP अंडरलाइन एसेट का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है। यदि बाजार दिन के बंद रहता है तो LTP उस दिन के लिए उसे सिक्योरिटी का क्लोजिंग प्राइस बन जाता है। दोस्तों कुछ कॉलम संबंधित मीट्रिक में बदलाव के बारे में बात करते पुट या कॉल ऑप्शन के लिए विशिष्ट मीट्रिक के मूल्य में यह परिवर्तन पॉजिटिव नेगेटिव मूवमेंट है। दोस्तों स्ट्राइक प्राइस वह मूल्य है जो कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत में दोनों पार्टियों के बीच निर्धारित किया जाता है। दोस्तों इसके अलावा ऑप्शन चेन को देखकर बहुत कुछ पता लग सकता है। उदाहरण के लिए जैसा कि ऊपर दिखा गया पीले रंग का सेल इन द मनी विकल्प ITM तो दर्शाता है, और बिना पीले रंग के सेल आउट ऑफ मनी विकल्प OTM को बताता है। दोस्तों हालांकि हम वर्तमान में NSE निफ्टी के संदर्भ में ऑप्शन चेन के बारे में बात कर रहे हैं, हालांकि इसी तरह की श्रृंखला अन्य इंडेक्स और यहाँ तक कि उन शेयरों के लिए भी देखी जा सकती है जिसमें ऑप्शन ट्रेडिंग समक्ष है। दोस्तों अब बात करेंगे निफ्टी 50 कैलकुलेशन मेथड। निफ्टी 50 को फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेज मेथड का उपयोग करने की गणना की जाती है। इसका मतलब यह है कि इंडेक्स की गणना करते समय कंपनी की फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन पर विचार किया जाता है और इंडेक्स में शेयरों के वेटेज दिया जाता है। दोस्तों फ्री फ्लोट कंपनी के उन शेयरों को दर्शाता है जो बाजार में ट्रेड के लिए आसानी से उपलब्ध है। दोस्तों निम्नलिखित श्रेणियों के फ्री फ्लोट फैक्टर गणना से बाहर रखा गया है, जैसा कि
प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप होल्डिंग, रणनीतिक निवेशक की क्षमता में सरकारी होल्डिंग ADR GDR के माध्यम से प्रमोटरों द्वारा होल्ड किए गए शेयर, कॉर्पोरेट निकाय द्वारा रणनीतिक हिस्सेदारी, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सहयोग या समूह कंपनियों द्वारा आयोजित इक्विटी क्रॉस होल्डिंग, एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट, लॉक इन श्रेणी के तहत शेयर। दोस्तों अब देखेंगे प्राइस इंडेक्स कैलकुलेशन। दोस्तों सबसे पहले हम इन्वेस्टेबल वेट फैक्टर का शब्द समझेंगे। इन्वेस्टेबल वेट फैक्टर या IWF ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध संख्या के संदर्भ में प्रोटीन स्टॉक की एक इकाई है और जो ऊपर उल्लेखित श्रेणियों में से किसी एक द्वारा आयोजित नहीं है। दोस्तों इन्वेस्टिंग वेट फैक्टर की गणना प्रत्येक कंपनी के लिए त्रैमासिक रूप से स्टॉक एक्सचेंज में जमा किए गए शेयर होल्डिंग पैटर्न में खुलासे के रूप में कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारक के आधार पर की जाती है। दोस्तों उदाहरण के लिए ABC नामक कंपनी के पास कुल 100,000 शेयर है, अन्य शेयर होल्डिंग पैटर्न है। दोस्तों इस मामले में IWF की गणना निम्नलिखित की जाएगी, जैसे कि IWF इक्वल टू 100,000 माइनस 1,975,000 प्लस 50,000 प्लस 250,000 प्लस 1,205,775। दोस्तों इसी तरह इसकी निम्नलिखित गणना की जाएगी। दोस्तों निफ्टी 50 इंडेक्स का स्तर 30 नवंबर 1950 के मूल्य अवधि के रिलेटिव इंडेक्स में सभी शेयरों के कुल बाजार मूल्य को दर्शाता है। कुल बाजार पूंजीकरण बाजार मूल्य और कंपनी को बकाया शेयरों की कुल संख्या उत्पाद है। दोस्तों मार्केट कैपिटलाइजेशन इक्वल टू बकाया शेयर इंटू मूल्य, प्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इक्वल टू बकाया शेयर इंटू मूल्य इंटू IWF। दोस्तों इंडेक्स वैल्यू इक्वल टू वर्तमान मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय बेस मार्केट कैपिटल इंटू बेस इंडेक्स वैल्यू 1000। दोस्तों इंडेक्स की बेस मार्केट कैपिटलाइजेशन बेस पीरियड के दौरान इंडेक्स में 35 क्रिप का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन है। बेस पीरियड के दौरान मार्केट कैप 1000 के इंडेक्स वैल्यू के बराबर होती है, जिसे बेस इंडेक्स वैल्यू कहा जाता है। दोस्तों अब देखेंगे निफ्टी 50 का चयन कैसे करें। आइए नज़र डालते कि NSE 50 निफ्टी 50 इंडेक्स का हिस्सा बनने के लिए इन 50 शेयरों को कैसे चुना जाता है। जैसे कि लिक्विडिटी, बाजार प्रभाव लागत मार्केट इम्पैक्ट कॉस्ट एक शब्द है जो स्टॉक की लिक्विडिटी का सबसे अच्छा उपाय है। ये एक इंडेक्स ट्रेड करते समय किए गए खर्च को दर्शाता है। निफ्टी 50 का हिस्सा बनने के लिए पिछले 6 महीने से दौरान 90% ऑब्जर्वेशन के लिए स्टॉक की औसत प्रभाव लागत 0.50% या उससे कम होनी चाहिए, जो कि बास्केट साइज के लिए 10 करोड़ है। दोस्तों अब देखेंगे लिस्टिंग हिस्ट्री। निफ्टी में लिस्टेड कंपनी के पास 6 महीने का न्यूनतम लिस्टिंग हिस्ट्री होना चाहिए। अब देखेंगे फ्यूचर और ऑप्शन श्रेणी। जिन कंपनियों को फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में ट्रेड करने की मंजूरी है वे केवल निफ्टी 50 का हिस्सा बनने के पात्र है। साथ ही अगर एक कंपनी जिससे अपना IPO लॉन्च किया है तो 3 महीने की अवधि के लिए निफ्टी के सामान्य पात्र का मापदंड पूरा करता है, यह सूचकांक हिस्सा को बना सकता है। दोस्तों निफ्टी 50 स्टॉक के वेटेज देखेंगे। शीर्ष 10 निफ्टी 50 कंपनियों के वेटेज के साथ निम्नानुसार है, जैसे कि कंपनी नेम वेटेज देखेंगे। HDFC बैंक 9.42%, रिलायंस इंडस्ट्री 7.86%, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस 7.46%, ITC 5.68%, इंफोसिस 5.39%, ICICI बैंक 4.32%, टाटा कंसल्टेंसी 4.16%, लार्सन एंड टर्बो 4.09%, कोटक महिंद्रा बैंक 3.82%, मारुति सुजुकी 2.77%। दोस्तों इंडस्ट्री के आधार पर अलग अलग वैल्यू है जो उपरोक्त सूचीबद्ध कंपनी के आते हैं। दोस्तों उदाहरण के लिए टॉप 10 लिस्टेड कंपनियों में से 3 बैंकिंग क्षेत्र से आती है, जबकि इंफोसिस IT क्षेत्र से संबंधित TCS ओवरऑल मार्केट कैप का लगभग 10% हिस्सा निकालती है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।